सुबह से मुझे इस मोबाइल ने गुस्सा दिलाया है भाई। देखो सारा रात भर मैं चार्ज दे रखा हूँ, फिर भी अभी तक मेरा मोबाइल 49% में अटका हुआ है भाई। तो क्या बताऊँ, आप लोग अगर मेरे जगह होते तो क्या करते भाई, इस मोबाइल को तोड़ते ही नहीं। बितुल तो पूरा गेम खेल रहा है, इसको ना ऐसे मारना सही है। गाइस देखो बादल पूरे काले हो गए, मजा आ रहे है, मजा मजा। गाइस देखो अभी बोट ये मछली पकड़ने वाला है, इसको क्या कहते हैं, हम लोग तो बोशी कहते हैं, वो बना रहे हैं। अभी बोट भी मछली पकड़ेगा गाइस। अरे जा रहे हैं अभी, भागो भाई, भूखा भी गया। और से बाल छिलाते रहते हैं, देखो बाल कितने लंबा किया, देखो भाई छपरी बन के घूम रहे हैं। साला जा साला, इससे एकदम सर फोड़ दूंगा बीटीएस के। गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो गाइस देखो आज का ब्लॉग में गुस्सा होकर स्टार्ट कर रहा हूँ, क्योंकि सुबह से मुझे इस मोबाइल ने गुस्सा दिलाया है भाई। देखो सारा रात भर मैं चार्ज दे रखा हूँ, फिर भी अभी तक मेरा मोबाइल 49% में अटका हुआ है भाई। तो क्या बताऊँ, आप लोग अगर मेरे जगह होते तो क्या करते भाई, इस मोबाइल को तोड़ते ही नहीं भाई। देखो अभी तक भी चार्ज नहीं हुआ, रात के मैं 12 बजे चार्ज दिया था मोबाइल को, अभी 8 बज रहे भाई, अभी तक भी मेरा मोबाइल फुल चार्ज नहीं हुआ, 49 में अटका हुआ है। पता नहीं गैस मोबाइल को हो क्या गया, साला मन कर रहा है इसको तोड़ दूँ, लेकिन तोड़ भी नहीं सकता ना भाई, तोड़ूंगा तो भाई मोबाइल और ख़रीदने का भाई मेरे पास पैसा नहीं है, फिर क्या करेंगे, फिर मेरे को ऐसे ही कीपैड मोबाइल लेके घूमना पड़ेगा, तो अभी तोड़ भी नहीं सकता ना, नहीं तो आप भी तोड़ देता इसको साला। मुझे गुस्सा आ रहा है यार, अभी तक भी मैं चार्ज दे दे के ही वीडियो बना रहा हूँ, साला हराम करो मोबाइल। और भाई जब मैं एडिट करने बैठता हूँ ना, तब तो और ये मोबाइल हैंग करता है, तब इतना ज्यादा हैंग करता है ना, तब तो आप लोग अगर मेरे जगह होते तो पक्का ये मोबाइल तोड़ देते, साला इतना हैंग करता है, मेरा दिमाग खा जाता है, फिर भी मैं दिमाग को ऐसे थपथपा के शांत कर देता हूँ भाई। इस मोबाइल के बारे में क्या बताऊँ यार, जब सोचता हूँ ना और ज्यादा गुस्सा आ जाता है साला। तो अभी एक बार पितुल के घर जाके आते हैं, ये देखो भाई पितुल के घर पे पहुंच गया, देखता हूँ गाइस पितुल है कि नहीं घर पे। दोल तो पितुल, पितुल तो पूरा गेम खेल रहा है। जा गाइस पितुल, आप रैंक का सीजन डाउन कर दिया है ना, आप पितुल को अभी बाहर देखने के लिए नहीं मिलेगा, सिर्फ घर पे ही रहता है सारा दिन, गेम खेलता रहता है। और रोबिन देख की कर सुन देख, भाई बितुल का तो मजा ही मजा है भाई, देखो पंखा चला के अभी पूरा गेम खेल रहा है। और भाई लाइट टाइट सब बंद है, देखो सब घर घर को अंधेरा करके गेम खेल रहा है। रहो बितुल, मैं ऐसे ही आया था तुमको देखने के लिए, टाटा गेम खेलो एंजॉय करो, बाय बाय। गाइस देखो अचानक से मौसम खराब हो गया, और अभी देखो गाइस पूरा बादल काला हो गए, लगता है बारिश आएगा, और देखो पूरा तेजी से भाई हवा चल रहे है, मौसम देखो भाई पूरा काले हो गए, बारिश आएगा भी ऐसे है। गुम्मा के साथ इसको ना ऐसे मारना सही है साला। गाइस देखो अभी मैं थोड़ा खेत के साइड आ गया, खेत देखने और घूमने के लिए भी, और भाई देखो खेत का हाल क्या हो गया, अभी कुछ दिनों बाद का फसल उगने वाले है, धान निकलने वाले है, और भाई देखो भाई बादल तो पूरा काला हो गया भाई, देखो अभी शायद आज बारिश आएगा, और भाई काफी ठंडी ठंडी हवा चल रही है, तो काफी मजा आ रहा है भाई, मजा आ रहा है भाई। और वो दोनों पता नहीं हुआ क्या बात कर रहे हैं, देखो भाई ये देखो सारा हरा। अभी क्या करेंगे भाई, मैं खेत ही देखता हूँ थोड़ा सा, और ये देखो गाइस ये हमारा जमीन है और वो उधर है। गाइस देखो बादल पूरे काले हो गए, देखने में भी मजा आ रहा है भाई, और कभी ठंडी ठंडी हवा चले ना तो यहाँ कुछ अलग ही वाइब आ रहे है, मजा आ रहे है, मजा मजा। गाइस खेत खेत तो देख लिया, अभी घर जाते हैं, और अभी खाना बना भी बनाना पड़ेगा मुझे, तो घर जाके बनाते हैं। देखो ये दोनों भी आ रहे हैं, तो चलो गाइस देखो अभी बोट ये मछली पकड़ने वाला है, इसको क्या कहते हैं, हम लोग तो बोशी कहते हैं, वो बना रहे है, अभी बोट भी मछली पकड़ेगा गाइस मास भरा बने का सब। और ये बूमफंग तो अभी नया मोबाइल ले लिया ना, तो उसका भी एटीट्यूड बढ़ गया गाइस, अभी हम लोग को खा ही नहीं देता साला। अरे जा रहे हैं अभी, भागो भाई बूमफंग भी गया लुंगी पकड़ के, मैं भी जाता हूँ।
बारिश बारिश आ गया, घर आ गया मैं किसी तरह से करके। आज देखो आता नहीं, खूब बारिश आ गया भाई। ये देखो मैं बोल रहा था ना बारिश आएगा, देखो आ ही गया। अभी इस बोरी को अंदर रखना पड़ेगा भाई, देखो इसमें चावल है तो अंदर रखते हैं। अकेले उठा भी नहीं पाऊंगा भाई, इसमें काफी भारी है। चलो देखते भाई, अभी इसको अंदर रख के फिर खाना बना बनाते हैं और बाद में मिलते हैं आप लोगों से। इस मौसम का ना कोई आता पता नहीं है भाई, कभी बारिश होते तो कभी करंट धूप देते। और भाई आज सुबह काफी धूप था तो अभी देखो भाई काफी बारिश आ रहे, तो अचानक क्या हो जाता है पता ही नहीं चलता। देखो अभी मैं मेरे यूनिफॉर्म पे आ गया। ये देखो भाई मैं जब घर पे रहता हूँ ना अकेले, तो मैं से भाई नंगे बदन ही रहता हूँ और एक शॉर्ट डाल के रहता हूँ भाई। और भाई देखो जब थोड़ी बारिश आते है ना तब तो कारण रहता ही नहीं है। देखो भाई अभी कारण फिर से चला गया, तो अभी अंधेरे में कैसे रहूँ ऐसे। और बाहर तो धूप धूप भी नहीं है, पूरा अंधेरा है भाई, देखो पूरा घर अंधेरा है। और मैं भाई खाना वाना बनाया नहीं अभी तक। देखो भाई बर्तन भी कल का ऐसे हुआ है भाई, अभी तक बर्तन भी नहीं मांगा। ये देखो भाई अभी इसको भी किससे मांजू भाई, क्योंकि बाहर हो रही है काफी बारिश, तो अभी फिर भी कहीं मुझे बर्तन भी मांजना पड़ेगा, फिर खाना बनाऊंगा। तो भाई क्या यार दिक्कत है भाई कभी। चलो अभी जैसे वीडियो बनाते बनाते मेरा टाइम वेस्ट हो रहा है, तो मैं अभी जल्दी से वो बर्तन वर्तन मांज के मैं खाना बनाता हूँ। यार काफी भूख भी लग रही है, सुबह से कुछ खाया भी नहीं मैं। तो चलो अभी गाइस मिलते हैं आप लोगों से थोड़ी देर बाद। अगर ये 8 मिनट का हो गया आप लोग तो फिर मैं इसको एंड करूँगा, अगर 8 मिनट का कम हो गया तो फिर बनाऊंगा और भी। ठीक है भाई गाइस देखो अभी बारिश रुक गया ना, तो अभी देखो ये BTS आ गया। ये देखो अभी सॉन्ग सुन रहा है और मैं अभी खाना बना रहा हूँ। ये देखो गाइस BTS का ना कोई काम वामना नहीं है, सिर्फ मेरे घर ही आते है रोज रोज से घूमने के लिए, आटा मारने के लिए, और फिर बाल सहलाते रहते हैं। देखो बाल कितने लंबा किया, देखो भाई छपरी बन के घूम रहे हैं साला। इसको घर वाले कितना बोलते हैं कितना डांटते हैं फिर भी सुनता नहीं है, मैं भी बोलता हूँ लेकिन सुनता नहीं साला। पता नहीं है बाल को क्या बनाएगा, और फिर वैसे सहलाता रहता है, पता नहीं यार क्या करेगा। देखो तो भाई हम और BTS कहेगा BTS अभी गुस्सा होकर घर जा रहे हैं। देखो क्या साला BTS, अब दोबारा से आना मत चला, नहीं तो तुम दूंगा साला, इससे एकदम सर फोड़ दूंगा BTS के। BTS साले से काम धंधा नहीं, सिर्फ मेरे घर ही आते हैं अड्डे देने के लिए साला BTS कहेगा साला। और जब कुछ बोलता हूँ तो साला गुस्सा होकर चला जाता है, चाह साले BTS और ना है तो सही है साला, हराम बोल कहेगा BTS साले साला। काफी परेशान कर रहे हैं मुझे। तो गाइस आज के ब्लॉग में बस इतना ही, आई होप आप लोग को आज का ब्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर आप लोग को आज का ब्लॉग अच्छा लगा तो लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो मिलते हैं और किसी नए मजेदार ब्लॉग में।